ओके, तो अब हम देखेंगे हेडेक के बारे में। सबसे पहले प्राइमरी हेडेक, अब इसी टॉपिक में हम देखेंगे माइग्रेन के बारे में। सबसे पहले हेडेक की इंट्रोडक्शन। तो हेडेक मतलब स्कल में, हमारे हेड में पेन सेंसिटिव क्रैनियल स्ट्रक्चर्स कौन से कौन से, तो वो ड्यूरा, स्कल, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, फाल्क सेरिब्राई, सर्कल ऑफ विलिस, प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ पायल आर्टरीज, 5, 9, 10 क्रैनियल नर्व्स। कि इतने हमारे पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। अगर इतने सारे याद ना रहो तो पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स कौन से, तो ये 4 है। ओके, बाकी सारे पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स, एपेंडाइमा, कोरोइड प्लेक्सस, पायल वेन्स और ब्रेन पैरेन्काइमा, दिस आर द पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। ओके, एपेंडाइमा, कोरोइड प्लेक्सस, पायल वेन और ब्रेन पैरेन्काइमा। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हेडेक के क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो दो टाइप के हेडेक हो सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में देर इज़ नो ऑर्गेनिक डिसीज, और सेकेंडरी में इट इज़ ड्यू टू एनी अंडरलाइन डिसीज। प्राइमरी हो सकता है बिनाइन, रिकरेंट, और इसके सब टाइप कौन से, एक तो टेंशन टाइप हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ट्राइजेमिनल, ऑटोनॉमिक, सिफेल्जियास हो सकता है, या फिर क्लस्टर हेडेक। ओके, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है ऑफ प्राइमरी हेडेक। टेंशन टाइप विच इज़ मोस्ट कॉमन, माइग्रेन सेकेंड मोस्ट कॉमन, एंड ट्राइजेमिनल, ऑटोनॉमिक, सिफेल्जियास एंड क्लस्टर हेडेक। ये हो गया प्राइमरी हेडेक। इसके बाद सेकेंडरी, दे आर मैलिग्नेंट कंडीशन, ऑर्गेनिक डिसीज लाइक सिस्टमिक इन्फेक्शन विच इज़ मोस्ट कॉमन। ओके, सिस्टमिक इन्फेक्शन गिव राइज़ टू सेकेंडरी हेडेक, हेड इंजरी, वास्कुलर डिसऑर्डर, हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, और इन सब की वजह से जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, सॉरी मोस्ट कॉमनली ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से इसका नाम है डेंजरस हेडेक, जबकि इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर नहीं बढ़ता, इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, इसलिए इसका नाम है डेंजरस हेडेक। अब टेंशन हेडेक के बारे में, जो इज़ मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक। तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, इन मिडल एज फीमेल, 30 to 45 ईयर्स, एंड 1/3 केसेज आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, देर इज फीलिंग ऑफ फुलनेस और टाइटनेस ऑफ प्रेशर बैंड अराउंड द हेड। ठीक है, एकदम सर जो है वो भारी भारी लगता है, बट इट डजेंट इफेक्ट डेली एक्टिविटीज, डेली लिविंग एक्टिविटीज, इट डजेंट अफेक्ट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जबकि जो सेकेंडरी हेडेक होता है, डेंजरस हेडेक होता है, दे अफेक्ट रेगुलर डेली एक्टिविटीज, जबकि टेंशन हेडेक, इट्स प्राइमरी हेडेक, डजेंट अफेक्ट डेली एक्टिविटीज। अब दिस आर द टाइप्स ऑफ द हेडेक। तो कौन से रीजन में हेडेक हो सकता है, उसके हिसाब से टाइप दिया। तो एक साइनस हेडेक, जहाँ पे फोरहेड और चीक बोन्स के एरिया में अराउंड साइनस का जो एरिया होता है वहाँ पे हेडेक होता है। दूसरा है क्लस्टर, क्लस्टर में आई के अराउंड मतलब आँख के आसपास हेडेक मतलब पेन होता है। दूसरा है टेंशन हेडेक, जो फोरहेड में होता है, जैसे किसी ने ऐसे बैंड लगा दिया, प्रेशर बैंड लगा दिया, वैसे पूरे फोरहेड में होता है। दूसरा है माइग्रेन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें एक साइड यूनिलेटरल साइड ऑफ द हेड में दर्द होता है। पेन, नोजिया, विजुअल चेंजेस आर टिपिकल ऑफ क्लासिक फॉर्म, क्लासिकल माइग्रेन बोलता है, ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो ये हेडेक के टाइप्स हो गए, साइनस, क्लस्टर, टेंशन और माइग्रेन। अब मैंने अभी बोला हेडेक दो टाइप के हो सकते हैं, डेंजरस और नॉन डेंजरस। जो डेंजरस होता है उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, नॉन डेंजरस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल रहता है। अब ये नॉर्मल है या बड़ा हुआ है वो हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस बाय ऑप्थेल्मोस्कोपी, जहाँ पे हम रेटिना में रेटिना को देखेंगे, फंडस को, जहाँ पे हमें अगर पेपिलिडिमा दिखा तो हम कह सकते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए वो डेंजरस हेडेक। अगर पेपिलिडिमा नहीं है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल है, एंड इट इज़ नॉन डेंजरस हेडेक। प्लस टेंशन हेडेक में देर इज नो वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, एंड पेशेंट इज नेवर डिस्टर्ब फ्रॉम स्लीप ड्यू टू हेडेक, या पेशेंट की नींद खराब नहीं होती हेडेक की वजह से। और फंडस में नो पेपिलिडिमा। अब इसकी ट्रीटमेंट में देखिए, एक्टिव हेडेक्स में हम एनसेट्स दे सकते हैं, और क्रॉनिक ट्रीटमेंट में PTH, और प्रोफाइल एक्सिस में हम एमेट्रिप्टाइलिन, जिस ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। क्या हुई इसकी ट्रीटमेंट, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज माइग्रेन। तो माइग्रेन इज अ न्यूरोवास्कुलर डिसीज। ओके, इट इज़ अ न्यूरोवास्कुलर डिसीज कॉज्ड बाय न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन। न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से न्यूरोवास्कुलर डिसीज होती है, इट causes माइग्रेन। इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक। ओके, इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक। माइग्रेन इज कैरेक्टराइज बाय सीवियर एपिसोडिक पेन ऑन वन साइड ऑफ द हेड। ठीक है, अभी हमने इमेज में देखा था, सीवियर एपिसोडिक पेन होता है ऑन द वन साइड ऑफ द हेड, विच इज एसोसिएटेड विथ फोटोफोबिया, फोनोफोबिया एंड वोमिटिंग। विच इज एसोसिएटेड विथ फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, वोमिटिंग, नोजिया एक्सेट्रा। ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब ये स्टार्ट कब होता है, इट स्टार्ट इन द अर्ली एज ड्यूरिंग स्कूल डेज, 10 to 15 ईयर्स में
ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वैसे इसकी अटैक की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी बढ़ती जाती है, जो कि 4 to 5 times per month। ओके, स्टार्ट्स इन द अर्ली एज ड्यूरिंग स्कूल एट अराउंड 10 to 15 years, एंड एज द एज प्रोग्रेसेस द फ्रीक्वेंसी एंड द सीवियरिटी ऑफ द अटैक स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब जो माइग्रेन होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, जो 80% होता है वो होता है कॉमन माइग्रेन, ओके, कॉमन माइग्रेन, और एक होता है क्लासिकल माइग्रेन, कॉमन माइग्रेन और क्लासिकल माइग्रेन। अब कॉमन माइग्रेन में हेडेक से पहले हमें कोई वार्निंग साइंस नहीं दिखते, और ये वार्निंग साइंस को बोलते हैं ऑरा, के वार्निंग साइंस नहीं दिखते इन द कॉमन माइग्रेन, और ये वार्निंग साइंस को बोलते हैं ऑरा। जबकि क्लासिकल में हमें कुछ वार्निंग साइंस दिखते हैं, मतलब ऑरा प्रेजेंट होता है इन द क्लासिकल माइग्रेन। अब ये ऑरा कैसा हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, सेंसरी हो सकता है, स्पीच रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ऑरा हो गए। विजुअल मतलब हमें आंखों के सामने zigzag लाइंस दिखेगी, विच इज़ मोस्ट कॉमन, फ्लैशिंग ऑफ लाइट दिखेगी, हेजी स्पॉट्स दिखेंगे, फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा, स्कोटोमा दिखेंगे, मतलब विजन हमारा पार्शियली लॉस हो जाएगा, टनल विजन दिखेगा, क्योंकि ये सारे विजुअल ऑरास हो गए। और ऑडिटरी में हमें, ठीक है, इरीटेशन होगी नॉर्मल साउंड सुनने से भी। सेंसरी में हमें टिंगलिंग या नमनेस सेंसेशन होगी इन द हैंड्स, आर्म्स, लिप्स, टंग, कहीं पे भी हो सकती है टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन इन द हैंड्स। फिर स्पीच प्रॉब्लम में हमारी स्पीच ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपरली हम बोल नहीं पाएंगे, स्लरी स्पीच हो जाएगी, ये हो गए ऑरा। अब जब माइग्रेन हेडेक होने वाला होता है तो उसके 2-3 दिन पहले ही हमारे मूड चेंज हो जाता है, डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, ये सारे इट अकर्स 2 days प्रायर टू द अटैक ऑफ हेडेक। और अदर सिम्टम्स क्या होंगे, हमारा स्काल्प होता है वो भी टेंडर टू टच, मतलब एलोडिनिया मतलब नॉर्मल टच हमें पेन की तरह लगेगा, जैसे कोई नॉर्मली टच भी करेगा तो हमें बहुत दर्द होगा, इसे कहते हैं एलोडिनिया। और अदर सिम्टम्स नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, पैरेस्थीसिया, फोनोफोबिया, वर्टिगो, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सारे हमने देख लिए। ओके, तो ये थे दो टाइप के ऑरा, कॉमन और क्लासिकल, सॉरी दो टाइप के माइग्रेन हेडेक, कॉमन और क्लासिकल माइग्रेन। कॉमन में ऑरा इज एब्सेंट, ऑरा इज नथिंग बट वार्निंग साइंस, क्लासिकल में ऑरा प्रेजेंट होता है। अब कोई कोई रेड फ्लैग्स साइंस ऑफ हेडेक है, उसका निमोनिक है स्नूप, SNNOOP, मतलब कौन से टाइप का हेडेक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मतलब आगे जाके और कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे सिस्टमिक सिम्टम या लाइक फीवर अगर प्रेजेंट हो, नॉर्मली फीवर प्रेजेंट नहीं होता, सिस्टमिक सिम्टम भी प्रेजेंट नहीं होते। एंड से नियोप्लाज्म हिस्ट्री, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, डेफिसिट, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ऑनसेट अगर रैपिड हुआ, ओल्ड एज है पेशेंट की, अगर पोजिशनल हेडेक है, इफ इट इज़ प्रेसिपिटेड बाई कफ या एक्सरसाइज, पैपी लीडिंग में प्रेजेंट है, प्रेगनेंसी, अगर दूसरी कोई पैथोलॉजी इज प्रेजेंट इन द बॉडी, या प्रोग्रेसिव हेडेक, मतलब जो अटैक की सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती जा रही है सब्सिक्वेंटली। तो ये सारे रेड फ्लैग्स ऑफ द हेडेक हो गए। और याद रखना, दिस माइग्रेन इज कॉमन इन फीमेल, ओके, रेशियो क्या होता है 5:1, फीमेल में कॉमन होता है। ओके, अब देखते हैं हेडेक, मतलब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं माइग्रेन के। तो एक हेडेक तो हो गया, साथ में जो क्लासिकल माइग्रेन उसमें ओरा भी प्रेजेंट होता है, विच लास्ट फॉर 20 to 30 minutes या फिर 5 to 30 minutes, वेरिएशन, मतलब अराउंड हाफ एन आवर लास्ट कर सकता है। और ये ओरा हमने देखा विजुअल, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, विजुअल ओरा मोस्ट कॉमन होता है, कौन सा, zigzag लाइन, फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा, स्कोटोमा, फ्लैशिंग ऑफ लाइट, हेजी स्पॉट, टनल विजन, ये सारे विजुअल ओरा हो गए। इससे ऑडिटरी, फोनोफोबिया, सेंसरी में भी नमनेस, टिंगलिंग, स्पीच हो सकती है, विच विल बी डिस्टर्ब। इसका टिपिकल हेडेक कैसा होता है माइग्रेन में, तो इट इज़ यूनिलेटरल, ओके, यूनिलेटरल मोस्ट कॉमनली, इट इज़ यूनिलेटरल, कभी कभी पूरा मतलब होलो ब्रेन में भी हो सकता है, ओके, मोस्ट कॉमनली इट इज़ यूनिलेटरल। साइड कौन सी होगी, फ्रंटो टेम्पोरल, मतलब फ्रंटो टेम्पोरल, आगे और साइड में, फ्रंटो टेम्पोरल मोर कॉमन देन ऑर्बिटल। और ये नेचर थ्रॉबिंग पेन हो गया, पाउंडिंग पेन, मतलब ऐसे पल्सेशन टाइप हेडेक होगा, थ्रॉबिंग या फिर पाउंडिंग, प्लस देर इज एसोसिएटेड नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, पैरेस्थीसिया, ऐसे बहुत सारे फीचर्स। अभी ऐसा माइग्रेन का एक अटैक लास्ट करता है 4 to 72 hours, प्लस एसोसिएटेड हमने देखे बहुत तो फोटोफोबिया, फोनोफोबिया और ऑस्मोफोबिया। और ये इसका टिपिकल फीचर्स, इट इज़ एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट, ओके, एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट, जब पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा हेड की, तो जो पेन होगा हेडेक का वो बढ़ जाएगा। आफ्टर हेडेक पेशेंट फील लेथार्जिक एंड डिप्रेस्ड, ओके, अटैक आ जाने के बाद पेशेंट फील लेथार्जिक, मतलब लैक ऑफ एनर्जी एंड डिप्रेस्ड, ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट इज़ नॉर्मल। अब ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ऑफ माइग्रेन,
तो क्या होगा, रिपीटेड अटैक्स ऑफ हेडेक लास्टिंग 4 to 72 hours इन पेशेंट विथ नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, रिपीटेड अटैक ऑफ हेडेक जो लास्ट करता है 4 to 72 hours पर एपिसोड एंड नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड नो अदर कॉज ऑफ हेडेक प्लस एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, कौन से यूनिलैटरल पेन, थ्रोबिंग पेन, एग्रीवेशन बाय मूवमेंट, मॉडरेट और सीवियर इंटेंसिटी, प्लस एटलीस्ट वन ऑफ द दिस फीचर, नोजिया वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इट इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ माइग्रेन। एंड हियर पेशेंट प्रिफर्स टू स्टे इन द डार्क क्वाइट रूम, पेशेंट प्रिफर्स टू स्टे इन डार्क क्वाइट रूम। जो ओरा होता है मैंने बोला लास्ट फॉर 5 to 20 minutes बिफोर हेडेक, और स्प्रेड कैसा करता है, जैसे एज अ वेव टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सबसे पहले वो पैरास्थेसिया मतलब टिंगलिंग सेंसेशन पहले आर्म में होगा, फिर धीरे धीरे फोर आर्म में, फिर हैंड्स में, ऐसे करते इट स्प्रेड्स एज अ वेव टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब माइग्रेन की थियरीज है बहुत सारी जो हमें एक्सप्लेन करती है कि माइग्रेन किस वजह से होता है, लेकिन स्पेसिफिक कोई भी कन्फर्म थियरी नहीं है, सब हाइपोथेसिस है। तो एक है वास्कुलर थियरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है वास्कुलर थियरी और सेरोटोनिन थियरी। वास्कुलर थियरी में क्या है, सबसे पहले सॉरी वास्कुलर थियरी में क्या है कि जो माइग्रेन हेडेक होता है ये होता है ब्लड वेसल डायलेटेशन की वजह से। और ये ब्लड वेसल कौन सी होती है, ओके सबसे पहले वास्कुलर थियरी में होता क्या है, जो हेडेक होता है वो ब्लड वेसल डायलेटेशन की वजह से होता है। ओके, और जो ओरा होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से होता है। सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से ओरा होगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन उसके बाद होगा वेजो डायलेटेशन जिसकी वजह से हेडेक होगा। तो अगर हमें माइग्रेन को ट्रीट करना है तो हमें वेजो डायलेटेशन को ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर हमें माइग्रेन प्रिवेंट करना है तो हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट करना पड़ेगा। ओके, समझ गया क्रोनोलॉजी, ये होती है वास्कुलर थियरी। दूसरी है सीरोटोनिन थियरी, इसमें सीरोटोनिन लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे उसकी वजह से हेडेक होगा, बस इतना ही है। और सीरोटोनिन रिसेप्टर भी कम हो जाएंगे इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, इसकी वजह से माइग्रेन होगा। मेन ये दो थियरी, और दूसरे को जेनेटिक फैक्टर्स, इसमें फैमिली में हो रहा हो अगर फादर मदर को तो भी हो सकता है, न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से, कोई हार्मोनल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इसकी वजह से फीमेल्स में ज़्यादा होता है। राइट टू लेफ्ट शंट मतलब कोई वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, एट्रियोवेनस माल फॉर्मेशन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये हो गई माइग्रेन की थियोरीज। अब कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो माइग्रेन को मतलब कॉर्टेक्स को फॉर्म करते हैं। ये ट्रिगर कौन से, ग्लेयर, ब्राइट लाइट, साउंड, हंगर, स्ट्रेस, हार्मोन फ्लक्चुएशन, एक्सेस स्लीप, अल्कोहल। ओके, ये सारे हो गए ट्रिगर्स जो आगे चल के लीड टू माइग्रेन। अब ये पैथोजेनेसिस है, सबसे पहले प्री सिम्टोमेटिक न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी ट्रिगर्स की वजह से होंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिगर्स, फिर हाइपर एक्साइटेबिलिटी, फिर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉन एपिनेफ्रिन, गाबा, ग्लूटामेट सब्सटेंस भी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, फिर क्या करेंगे, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे। ओके, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे और फिर सारे सिम्टम्स होंगे। तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ, इट विल डायलेट मेनिंजियल ब्लड वेसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोबिंग पेन, एक्टिवेशन ऑफ एरिया ऑफ पोस्ट्रेमा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग, एक्टिवेशन ऑफ कोर्टेक्स एंड थैलेमस कॉज हेड पेन मतलब हेडेक, एक्टिवेट हाइपोथैलेमस विच कॉज हाइपर सेंसिटिविटी, एक्टिवेट ट्राइजेमिनल सिस्टम विच कॉज मसल स्पासम। ये पैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन। प्लस अदर थियरीज में डोपामिन भी आता है, लाइक डोपामिनर्जिक स्टिमुलेशन, वो भी दे ऑल्सो कॉज माइग्रेन सिम्टम्स प्लस डोपामिन रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी, तो डोपामिन भी आ गया। ये सारी हो गई माइग्रेन की थियरीज। इसमें से मेन जो याद रखने की है ये वास्कुलर, इसमें जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है इनिशियली विच कॉज ओरा, और फिर वेजो डायलेटेशन होता है विच कॉज माइग्रेन हेडेक, और ये सारे ट्रिगर्स। पैथोलॉजी में इसमें एक नाम याद रखना, सब CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, और हमने देखा ट्राइजेमिनल वास्कुलर न्यूक्लियस मतलब ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस का एक्टिवेशन होता है जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। देखते हैं प्रेडिक्टर्स ऑफ माइग्रेन, तो हमें पेशेंट को ये तीन क्वेश्चंस पूछने होते हैं, मतलब तीन फीचर्स हमें असेस करने होते हैं। तो सबसे पहला, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग है। दूसरा है, अगर पेशेंट का जो हेडेक है वो डेली एक्टिविटी के साथ इंटरफियर कर रहा है, मतलब पेशेंट डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, ये दूसरा हो गया। और तीसरा कि लाइट बॉदर कर रही है पेशेंट को, मतलब फोटोफोबिया है। अगर ये तीन में से दो क्वेश्चन मतलब है, मतलब तीन में से दो केसेस पॉजिटिव है, दो सिनेरियो पॉजिटिव है, मतलब नोजिया वॉमिटिंग भी है, हेडेक एक्टिविटी लिमिट भी कर रहा है, फोटोफोबिया भी है, अगर इफ टू आर प्रेजेंट आउट ऑफ थ्री, देन 93% चांस है कि पेशेंट को माइग्रेन है। अभी देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ माइग्रेन, हमने दो तो देख लिए, कॉमन और क्लासिकल।
दूसरा ऑफ्थैल्मोप्लेजिक जिसमें जो थर्ड नर्व पाल्सी हो जाती है, ट्रेनियल ट्रांजिएंट यूनिलैटरल थर्ड नर्व पाल्सी, ऑक्युलोमोटर नर्व पाल्सी एंड विच इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। और इसमें जो पेन होता है वो इट इज़ मोर अराउंड द आई, जो हमने क्लस्टर हेडेक में देखा। फिर है बेसिलर माइग्रेन जिसमें ब्रेन स्टेम सिम्टम्स होते हैं लाइक एटेक्सिया, टिनिटस, डिप्लोपिया, वर्टिगो प्लस माइग्रेन। ठीक है, इस सब में माइग्रेन तो होता ही है प्लस अलग फीचर्स होते हैं एसोसिएटेड। फिर है हेमिप्लेजिक माइग्रेन मतलब वीकनेस होती है ऑन वन साइड। रेटिनल माइग्रेन मोनोक्युलर विजुअल लॉस में या कह सकते हैं स्कोटोमा। फिर है फेमिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन जो होता है इन चिल्ड्रन ड्यू टू कैल्शियम चैनल ओपेसिटी, में कैल्शियम चैनल डिफेक्ट होने की वजह से होता है फेमिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन। ओके, तो कितने हो गए कॉमन, क्लासिकल, ऑफ्थैल्मोप्लेजिक, रेटिनल, बेसिलर, हेमिप्लेजिक और फेमिलियल हेमिप्लेजिक। अब ये एक लाइन याद रखना, एपिसोडिक डिसेबलिंग हेडेक ऑफ मोर देन 6 मंथ ड्यूरेशन विथ नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज माइग्रेन अंटिल प्रूवन अदरवाइज। मतलब 6 महीने से ज़्यादा अगर माइग्रेन के अटैक्स आ रहे हो, हेडेक में हेडेक हो रहा हो प्लस देर इज नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये माइग्रेन ही है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ओके, अब आता है माइग्रेन की मैनेजमेंट में। माइग्रेन की मैनेजमेंट सबसे पहले जनरल मेजर्स में आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स होते हैं उसको अवॉइड करो। वुमन होती है वो OCPs ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करो क्योंकि वो हार्मोन लेवल फ्लक्चुएट करते हैं, फ्लक्चुएट कराते हैं। और माइल्ड, मॉडरेट सीवियर और एक वेरी सीवियर अटैक, तो माइल्ड में हम पैरासीटामोल या फिर एनसेड लाइक नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन प्लस एंटीमेटिक्स। ओके, प्लस एंटीमेटिक्स नोजिया वोमिटिंग के लिए। ये होगी माइल्ड, माइल्ड में सिर्फ पैरासीटामोल और एनसेड लाइक आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। मॉडरेट और सीवियर में ट्रिप्टेंस देते हैं, और ये ट्रिप्टेंस कौन से होते हैं, तो रिजाट्रिप्टन, एलेट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन और जोलमेट्रिप्टन। उसमें सुमाट्रिप्टन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सुमाट्रिप्टन और रिजाट्रिप्टन भी, सुमाट्रिप्टन और रिजाट्रिप्टन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, तो इट इज अ 5HT एगोनिस्ट। ओके, 5HT एगोनिस्ट, इट इनहिबिट CGRP रिलीज एंड वेजोडायलेशन। CGRP हमने देखा कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड्स, इट इनहिबिट CGRP रिलीज एंड इनहिबिट वेजोडायलेशन। ये हो गई मॉडरेट और सीवियर। उसके बाद वेरी सीवियर में एक सुमाट्रिप्टन तो है ही, ट्रिप्टन है प्लस अदर ड्रग लाइक अर्गोट एल्कलॉइड्स लाइक डाईहाइड्रो अर्गोटामाइंस। वे सिर्फ ये ट्रिप्टन देने की वजह से ट्रीट नहीं होता वेरी सीवियर, क्योंकि ट्रिप्टन इज इनइफेक्टिव इन क्लासिकल माइग्रेन। ठीक है, तो ट्रिप्टन हम दे सकते हैं ओनली इन कॉमन माइग्रेन, ओनली इन कॉमन माइग्रेन। प्लस ट्रिप्टन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज या सेंट्रल वीनस एंजियोपैथी या CVA, मतलब कोई ब्लड डिसऑर्डर्स हो लाइक आर्टीरियल डिसऑर्डर्स हो, उसमें ट्रिप्टन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्लस क्लिनिकल एफिकेसी डिपेंड्स ऑन TMAX। और ये जो हेडेक रिकरेंस होता है, रिकरेंस कम कौन कराता है, ये अर्गोट एल्कलॉइड्स लाइक अर्गोटामाइंस। ओके, तो हम शॉर्ट में बता देता हूँ, माइल्ड में हम पैरासीटामोल या फिर एनसेड देते हैं, एंटीमेटिक्स तीनों में दे सकते हैं, और अदर ड्रग हम साथ में कौन सी है, एक एनाल्जेसिक और एंटीमेटिक्स हम दे सकते हैं प्लस नाइट ट्रीटमेंट ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के। सारे नाम याद रखना, शॉर्ट में बता देता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट सीवियर और वेरी सीवियर। माइल्ड में पैरासीटामोल और एनसेड प्लस एंटीमेटिक्स, मॉडरेट सीवियर में ट्रिप्टन्स विच आर 5HT एगोनिस्ट विच इनहिबिट CGRP रिलीज एंड इनहिबिट वेजोडायलेटेशन। एग्जाम्पल सुमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन, जोलमेट्रिप्टन, एलिट्रिप्टन। ओके, हो गई मॉडरेट सी प्लस एंटीमेटिक्स। फिर वेरी सीवियर में ट्रिप्टेंस प्लस एर्गोट अल्कलॉइड्स लाइक डाईहाइड्रो अर्गोटामाइन। और ये कुछ पॉइंट्स है ट्रिप्टेन के बारे में, ट्रिप्टेन इनइफेक्टिव इन क्लासिकल माइग्रेन, मतलब दे सकते हैं ओनली इन कॉमन माइग्रेन। कॉन्ट्राइंडिकेशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड आर्टेरियल डिसऑर्डर लाइक कॉमन CAD, CVA। एफिकेसी डिपेंड ऑन TMAX। प्लस हेडेक रिकरेंस कम नहीं होते ट्रिप्टेन के, इसलिए हम देते हैं अर्गोटामाइंस जिसकी हेडेक रिकरेंस कम हो। और ये एक न्यू ड्रग ट्रीटमेंट विच इज एरेनुमाब, फ्रिमेनेजुमाब, विच आर CGRP एंटागोनिस्ट, मतलब ये भी CGRP रिलीज कम करते हैं। एग्जांपल याद रखना एरेनुमाब विच इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP। रिकॉर्ड बोला ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये हो गई ट्रीटमेंट। अब प्रोफाइल एक्सिस में कौन सी देखते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन बीटा ब्लॉकर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लाइक MI-TRIPTAN, जो राउंड करूँ वही ड्रग्स याद रखनी है, प्रोप्रानोलॉल,
amitriptyline, सेकेंड लाइन में वालप्रोएट विच इज़ एंटी एपिलेप्टिक, ओके वालप्रोएट, थर्ड लाइन में फ्लूनारिजिन, वेरापामिल विच आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस पाइजोटिफेन प्लस आप क्लोनिडिन भी दे सकते हो डिसऑर्डर। ये हो गए प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन। इसकी इंडिकेशन क्या होगी, अगर फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा हो, अटैक का ड्यूरेशन मोर देन 48 आवर्स, सीवियर हो रहा, सीवियर हेडेक, ये हो गई इंडिकेशन ऑफ प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अदर मॉडलिटीज क्या ट्रीटमेंट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है बोटुलिनम टॉक्सिन ए, ओके बोटुलिनम टॉक्सिन ए फॉर क्रॉनिक माइग्रेन। फिर सुपर ऑर्बिटल ट्रांसक्यूटेनस स्टिमुलेशन, यानी सीजीआरपी एंटागोनिस्ट हमने देखा एरेनुमा। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है साइनोसाइटिस, ओके साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्यों डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, बिकॉज माइग्रेन का पेन वो भी लोकेटेड ओवर साइनस। माइग्रेन और साइनोसाइटिस बोथ आर ट्रिगर्ड बाय वेदर चेंजेस, टीयरिंग एंड नेजल कंजेशन लाइक ऑटोनोमिक सिम्टम्स दोनों में प्रेजेंट होता है। साइनस मेडिकेशन हेल्प कर सकती है माइग्रेन एपिसोड ट्रीट करने में या प्रिवेंट करने में।